हेलो माय डियर वंस, होप यू ऑल आर वेरी फाइन एट होम. वेलकम यू अगेन एंड लेट्स स्टार्ट द समरी ऑफ द सेकंड चैप्टर, द साउंड ऑफ म्यूजिक. द साउंड ऑफ म्यूजिक हैज़ टू पार्ट्स, वन रिलेटेड टू एवलिन गैलेनी एंड सेकंड स्टोरी इज रिलेटेड टू बिस्मिल्ला खान. ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टू मच टाइम लेट्स स्टार्ट द समरी एंड इट्स अ रिविजन वीडियो फॉर ऑल. Let's start. The Sound of Music summary is a great way for all the students to learn about the chapter in short. Okay, so this chapter is about two music maestros and their lives. तो music के जो उस्ताद थे संगीत के, तो उनके दो उस्तादों से related है और उनका जीवन कैसा था उसके बारे में हम पढ़ेंगे. We will learn about multi percussionist Evelyn Galeney. तो multi percussionist, तो एक जो संगीत के क्षेत्र में जो उनके पास मल्टी टैलेंट था, एवलिन गैलेनी के बारे में हम पढ़ेंगे और दूसरा बिस्मिल्ला खान के बारे में, द शहनाई प्लेयर. द साउंड ऑफ म्यूजिक समरी रिकैप्स द होल चैप्टर इन अ सिंपलर एंड ईजियर फॉर्म. पूरे चैप्टर को भी मैं कोशिश करूँगी कि बहुत ही सिंपल और ईजी वे में आपको मैं बताऊँ. इन दिस चैप्टर स्टूडेंट्स विल लर्न अबाउट द इंटरेस्टिंग लाइव्स ऑफ द टू म्यूजिकल लीजेंड्स. इस चैप्टर की समरी में आप पढ़ पाओगे जो जो संगीत के लीजेंड्स हैं, महान विभूतियाँ हैं, उनके जीवन के इंटरेस्टिंग पहलुओं से. वन पार्ट इज अबाउट द स्कॉटिश म्यूजिशियन एवलिन. तो पहली जो स्टोरी है वो किससे रिलेटेड है, एवलिन गैलेनी से. एंड द अदर इज अबाउट इंडियन लीजेंड बिस्मिल्ला खान. वो स्कॉटिश की हैं और ये कहाँ की हैं, इंडियन बिस्मिल्ला खान. फर्दर दिस चैप्टर चूजिज दिस टू म्यूजिशियन बिकॉज ऑफ देयर इंटरेस्टिंग लाइव्स. तो इंटरेस्टिंग लाइव्स के कारण इन दोनों चैप्टर को आपके सिलेबस में सिलेक्ट किया गया है. इट विल हेल्प यू गेन इनसाइट इनटू देयर स्ट्रगल एंड हार्ड वर्क. तो ये भी पता चलता है कि एक बच्चा अगर कुछ भी एम बनाता है तो अगर हम उसमें स्ट्रगल करेंगे, हार्ड वर्क करेंगे, देन नथिंग विल बी इम्पॉसिबल. यू विल लर्न हाउ हार्ड वर्क एंड डिटर्मिनेशन कैन सर्व अस वेल. तो हार्ड वर्क और डिटर्मिनेशन की यहाँ पर इम्पोर्टेंस दिखाई गई है. It stays true to its name and gives inside stories and facts beside the behind the glitz. कह रहे कि इसके पीछे की जो नेम और फेम किसी व्यक्ति ने अचीव किया होता है तो ये एकदम से सडन नहीं आ जाता बेटा, ये किसकी होती है, हार्ड वर्क की और डिटर्मिनेशन की है, के कारण ही उस पोस्ट पर कोई भी व्यक्ति पहुंचता है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट स्टोरी. The Sound of Music summary is a great way for the students. The Sound of Music divides into two parts. Because the first part I have already mentioned you, okay beta? So the Sound of Music divides into two parts. Each part focuses on two musicians, Evelyn Galeney and Bismillah Khan. Part 1 throws light on Evelyn life and struggles to become a successful musician. तो पहला पार्ट हमें Evelyn की लाइफ के बारे में बताता है, उसके संघर्ष के बारे में बताता है और कैसे वो एक सक्सेसफुल म्यूजिशियन बनती है. स्टूडेंट्स विल लर्न दैट शी इज़ ए मल्टी प्रकशनिस्ट. शी हैज़ द टैलेंट टू प्ले हंड्रेड्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट परफेक्टली. मल्टी प्रकशनिस्ट क्या हो गया कि ऐसा एक म्यूजिशियन जिसमें मल्टी टैलेंट हो रिलेटेड टू म्यूजिक. तो वो एक ही टाइम में हंड्रेड ऑफ इंस्ट्रूमेंट वो प्ले करने का उनमें टैलेंट था. इट टेल्स हाउ शी गेंड इंटरनेशनल रिकॉग्निशन. न केवल नेशनल लेवल पर बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी वो कैसे पॉपुलर बनती हैं. व्हाट्स इंटरेस्टिंग इज एवलिन इज प्रोफाउंडली डेफ. कि सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या थी कि वो पूरी तरह से डेफ थी, उनको कुछ भी सुनता नहीं था. द म्यूजिशियन लर्न टू लिसन टू म्यूजिक थ्रू हर बॉडी एंड नॉट ईयर्स. तो कैसे वो सफल हो पाई आप म्यूजिक को अपनी बॉडी के हर पार्ट से सुनने में. शी डज नॉट हियर म्यूजिक, शी फील्स इट. वो सुनती नहीं थी म्यूजिक को बल्कि वो फील करती थी. यू विल लर्न दैट वॉज 11 ईयर्स ओल्ड व्हेन शी फाउंड आउट शी हैड ट्रबल हियरिंग. जब वो 11 साल की थी तो तब पता चला कि उनको सुनने में प्रॉब्लम थी. नेवरदिलेस दैट डिडंट स्टॉप हर फ्रॉम परस्यूइंग हर कैरियर इन म्यूजिक. फिर भी वो अब रुकी नहीं अपने कैरियर को म्यूजिक, अपने कैरियर को म्यूजिक में अपनाने से वो रुकी नहीं, स्टॉप नहीं हुई, मतलब हार नहीं मानी. थस हर टीचर रॉन फॉबिस वॉज द वन टू रिकोगनाइज हर टैलेंट.
उनके टीचर रॉन फॉबेज ने उनकी बहुत हेल्प करी उनके टैलेंट को परखने में. ही अनलॉक्ड डोर्स टू हर पोटेंशियल एंड हेल्प्ड हर अचीव द इम्पॉसिबल. उन्होंने उनके पोटेंशियल के जो बंद दरवाजे थे उनको खोला और कैसे जो इम्पॉसिबल था उनके लिए उसको पॉसिबल बना दिया. शी इज़ नाउ वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड नेम्स इन द म्यूजिक इंडस्ट्री. तो म्यूजिक इंडस्ट्री में भी जो फेमस संगीत से रिलेटेड लोग हैं उनमें से उनका नाम गिना जाता है. शी हैज़ मैनी एकोलेट्स एंड अवार्ड्स टू हर नेम एंड सर्व्स एज अ ग्रेट इंस्पिरेशन टू द स्पेशली एबल्ड कम्युनिटी. और कह रहे हैं कि उनको उनको बहुत अवार्ड्स उनके नाम से हैं और वो एक इंस्पिरेशन है किसके लिए, मुख्य रूप से स्पेशली एबल्ड कम्युनिटी जो बिल्कुल कॉमन ह्यूमन बींग्स हैं उनके लिए भी वो एक इंस्पिरेशन बनकर सामने खड़ी हैं. ओके, सो इट द स्टोरी रिलेटेड टू एवेलिन गैलेनी. नेक्स्ट कम्स पार्ट सेकेंड. We will learn about Bismillah Khan as well as the origin of Shehnai. It was Bismillah Khan who popularized this instrument. कह रहे कि शहनाई इसे पहले कहाँ पर केवल या तो वेडिंग सेरेमनीज में या टेम्पल्स वगैरह में बजाई जाती थी, लेकिन इसको इंटरनेशनल लेवल की स्टेज पर ले जाने का श्रेय किसको जाता है, बिस्मिल्लाह खान को. एंड टू गेट टू द वर्ल्ड स्टेज, कि पूरे वर्ल्ड में कैसे फेमस बनाया था शहनाई को बिस्मिल्लाह खान ने. He broke the myth of Shehnai not being capable to create independent tunes. He came from a family of musician. तो शहनाई का जो एक लिमिटेड एरिया था उसको उन्होंने तोड़ दिया था बिस्मिल्लाह खान ने जब प्रैक्टिस करी, और ऐसे ऐसे राग जो कभी सोचा नहीं था शहनाई के फील्ड में आएंगे उन्होंने ऐसे ऐसे राग क्रिएट किए थे. एंड ही केम फ्रॉम ए फैमिली ऑफ म्यूजिशियन. बिस्मिल्लाह खान भी किस फैमिली से बिलोंग करते थे, म्यूजिशियंस के. फॉर द बिस्मिल्लाह खान हैड ए वेरी सेकुलर अपब्रिंगिंग, कि बड़े एकांत मनों का पालन पोषण हुआ है. ही ग्रू अप प्रैक्टिसिंग ऑन द बैंक ऑफ रिवर गंगा, तो रिवर गंगा के किनारे पर उन्होंने प्रैक्टिस किया. ही वेंट टू मॉस्क्यू एज वेल एज द टेम्पल, मस्जिद में मंदिर में गए वो अपने मामा जी के साथ. आफ्टर अचीविंग इमेंस सक्सेस ही वॉज अवॉर्डेड वेरियस टाइटल्स. तो जब शहनाई में वो बहुत फेमस हो जाते हैं तो उनको बहुत सारे अवार्ड भी मिलते हैं. ही इज ऑल्सो रेसिपियंट ऑफ द हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया, द भारत रत्न. तो सबसे अचीव रिसीव करने वाले इंडिया के एकमात्र सबसे पहले वो अवार्ड विनर रहे हैं, वो सबसे बड़ा नागरिक सर्वोच्च नागरिक अवार्ड दैट इज़ द भारत रत्न. ओके, सो इन एडिशन टू दैट ही हैज़ वन ऑल थ्री अवार्ड्स ऑफ पद्म भूषण, पद्मश्री एंड पद्म विभूषण. न केवल भारत रत्न बल्कि इनको तीन और जो विशेष अवार्ड हैं इंडिया के नाम पर वो भी उनको मिले हैं, पद्म विभूषण, पद्मश्री एंड पद्म विभूषण. इंटरेस्टिंगली ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू बी इन्वाइटेड टू प्ले शहनाई एट द रेड फोर्ट इन 1947 वाइल ग्रीटिंग इंडिपेंडेंट इंडिया. तो ये भी सौभाग्य की बात थी कि 1947 में इंडिपेंडेंस अचीव होने के बाद जब इंडिपेंडेंस हमें मिल गई तो इंडिया का वेलकम करने के लिए शहनाई के रूप में, शहनाई को बजाने वाले के रूप में किसको इनवाइट किया गया था, बिस्मिल्लाह खान जी को. और उन्होंने सबसे पहले रेड फोर्ट से 1947 में वो पहले ऐसे लकी पर्सन थे जिनको ये चांस मिला था. मोस्ट इम्पोर्टेंटली ही रिप्रेजेंटेड इंडिया ऑन द इंटरनेशनल स्टेज एज वेल. तो उन्होंने इंडिया को इंटरनेशनल लेवल पर भी रिप्रेजेंट किया है. एंड ऑडिटोरियम तहरान इज ऑल्सो बाई हिज नेम. ऑडिटोरियम तहरान में उन्हीं के नाम से बनाया गया है एक रंगशाला. मोर ओवर डिस्पाइट मैनी अपॉर्चुनिटीज़ बिस्मिल्लाह खान नेवर लेफ्ट हिज होम टाउन वाराणसी. हालांकि उनको फिल्म में प्रोड्यूसर्स ने इनवाइट किया और इवन अमेरिका में भी बोला गया कि एक अगर शहनाई स्कूल बना दिया जाए तो आप उसके हेड बन जाएं. और जब उन्होंने अपने वाराणसी के बारे में, स्पेशली बनारस के बारे में और गंगा जी के बारे में अपने प्यार को दिखाया तो एक स्टूडेंट ने इतना तक भी कह दिया था कि ऐसा एटमोसफियर हम यहीं अमेरिका में आपके लिए क्रिएट कर देंगे. बट बिस्मिल्लाह खान ने स्ट्रिक्टली उन्होंने मना कर दिया था कि जो चकाचौंध है फिल्मी जगत की वो उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं था, कि वो फाल्स लाइफ नहीं जीना चाहते थे. ही डेडिकेटेड हिज लाइफ टू म्यूजिक एंड पास्ड अवे इन 2006. तो कह रहे कि उन्होंने अपना डेडिकेशन समर्पित कर दिया था अपनी लाइफ संगीत के प्रति, और तब 2006 में वो हमेशा पास्ड अवे
उनकी डेथ हो जाती है. ओके सो इट्स द स्टोरी. नाउ लेट्स रीड द कंक्लूजन ऑफ द साउंड ऑफ म्यूजिक. टू सम अप द साउंड ऑफ म्यूजिक समरी, वी लर्न हाउ म्यूजिक कैन बाइंड अस टुगेदर एंड इट इज़ नॉट लिमिटेड टू एनीवन एज इट इज़ अ यूनिवर्सल लैंग्वेज. कह रहे कि म्यूजिक की समरी को पढ़कर हमें एक बात समझ में आई है, कैसे म्यूजिक हमें बांधे रखता है. कोई भेदभाव नहीं होता, छोटा बड़ा, अमीर गरीब, ठीक है, इनोसेंट क्लेवर, कुछ कोई भी भेदभाव यहाँ पर नहीं होता. एंड इट इज़ नॉट लिमिटेड टू एनीवन, और केवल किसी एकल अधिकार नहीं है. एज इट इज़ यूनिवर्सल लैंग्वेज, म्यूजिक तो एक ऐसी लैंग्वेज है जिसको कहीं भी कोई भी कैसे भी समझ सकता है, एक दूसरे से जोड़ सकता है और एक दूसरे से जुड़ सकता है. सो होप यू गॉट द समरी ऑफ द चैप्टर साउंड ऑफ म्यूजिक. एंड आफ्टर रीडिंग दिस समरी प्लीज ट्राई टू रीड द टेक्स्ट फ्रॉम यूअर टेक्स्ट बुक सो दैट यू कैन इन अ प्रॉपर मैनर गेट द आइडिया ऑफ दिस चैप्टर. ओके बेटा, अगेन आई रिक्वेस्ट यू ऑल, प्लीज स्टे एट होम, बी हैप्पी, बी हेल्दी. गॉड ब्लेस यू ऑलवेज. बाय बेटा, टेक केयर.